नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आतंकवाद पर सियासत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकियों का समाजवादियों से बताया रिश्ता। सीएम योगी ने भी साधा निशाना। अखिलेश ने आरोपों को बताया झूठा। वोटिंग से पहले खालिस्तान पर आई पंजाब की सियासी लड़ाई। खालिस्तान समर्थक बताने पर केजरीवाल का पलटवार। सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भगत सिंह के चेले के साबित कर रहे हैं आतंक। अब देश भर में फैल रहा हिजाब विवाद। कर्नाटक के बाद अब चेन्नई में भी हिजाब पर सियासत। स्थानीय चुनाव में हिजाब में वोट डालने पर हंगामा। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महाकवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। युद्ध के मुहाने पर पहुंचे रूस और यूक्रेन। यूक्रेन में कार ब्लास्ट के साथ रूस के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू होने की अटकलें। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की रूस को चेतावनी, अब भी देर नहीं हुई। रूस और यूक्रेन में युद्ध की आहट के बीच एयर इंडिया भरेगी 3 उड़ानें। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 100 छात्रों को निकालने की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार। इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। इंदौर की जमकर की तारीफ। कहा, इंदौर का प्रयास दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के लिए रविवार को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी अभय सिंह गिरफ्तार। भाजपा उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों के साथ मारपीट और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने किया सपा नेता को गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर मंडल के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक खाली ट्रेन के डिब्बे में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। रेक बंद अवस्था में थी इसलिए किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। राज्य के रिम्स में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अस्पताल वार्ड में दरबार पर जेल प्रशासन ने लगाई रोक। अब सिर्फ 3 लोगों को ही लालू यादव की सहमति से केवल शनिवार को ही उनसे मुलाकात करने की अनुमति दी जाएगी। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को सौंपी गई टेस्ट टीम की कप्तानी। विराट कोहली और ऋषभ पंत को श्रीलंका T20 सीरीज से दिया गया आराम। श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को टेस्ट और T20 की उप कप्तानी मिली। बालशिवाजी फिल्म बनाने की घोषणा। रवि जाधव होंगे निर्देशक। हिंदी और मराठी में बनाया जाएगा। फरहान अख्तर और शिबाना दांडेकर ने खंडाला स्थित फार्म हाउस पर की शादी। उन्होंने वाउ सेरेमनी के जरिए एक दूसरे का थामा हाथ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और सेना के 2 जवान शहीद। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी COVID-19 के लगातार घटते असर के मद्देनजर सरकार ने नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जारी किया आदेश। अफगानिस्तान से आए सिख हिंदू शरणार्थियों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। उन्होंने बुरे वक्त में मदद के लिए पीएम मोदी व भारत सरकार का जताया आभार। हास्य कवियों ने सीएम केजरीवाल के बयान पर जताया आक्रोश। ओपन लेटर लिख की माफी की मांग। मुख्यमंत्री चन्नी सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। शुक्रवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शाम 6 बजे के बाद वे मानसा में प्रचार करते पाए गए। कांग्रेस की युवा शाखा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर पंजाब में अलगाववादियों का समर्थन करने के लगाए थे आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान। मराठों को आरक्षण देने के लिए 50% आरक्षण सीमा हटाने की जरूरत। केंद्र सरकार से की कानून में बदलाव करने की अपील। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।